अबे रवि यहाँ ना यार, जरा ये देख, ये अपना किशन है ना यार। हाँ यार, ये तो अपना किशन है यार। इसकी फोटो क्यों पड़ा है क्यों आई? अबे यार ये देख ना, ये किशन है ना यार अपना। अबे भाई, इसने टॉप किया है। हाँ यार, इसने तो सच में टॉप किया है यार। ये लिखा यार, एक किशन कहाँ है यार? भाई शायद घर पे होगा। अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, उसको घर पे देखता हूँ। तुम लोग एक काम करो, तालाब किनारे देखो। अबे ये देख किशन, तेरी फोटो आई पेपर में। मेरी फोटो? हाँ भाई, ये देख तेरी फोटो आई भाई। ये देख भाई किशन, अभी तू तो बहुत बड़ा छुपा रस्तम निकला, अभी बहुत पढ़ता था। क्या बात है भाई किशन। बाबूजी, क्या हुआ किशन? क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहा है? पहले बात तो बता भाई, बात क्या है, इतना क्यों चिल्ला रहा है? देखिए, मैंने टॉप किया, मेरी पेपर में फोटो छपी है। शाबाश बेटा किशन। बाबूजी, आपसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में? अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में कुछ बात करनी। ठीक है, अपन लोग बैठ के बात करते हैं। हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? बाबूजी, मैं सीए की पढ़ाई करना चाहता हूँ। ये के लिए क्या करना होगा? बाबूजी, मुझे इसकी पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। भेजोगे ना मुझे बाहर पढ़ने के लिए? हाँ बेटा, भेजिए ना भेजिए। तो उसके एडमिशन के लिए जल्द से जल्द शहर जाना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं कुछ इंतजाम। सिर्फ प्रणाम। अरे आओ भाई राम कुमार, कैसे आना हुआ? एजी, ये मेरा बेटा किशन है, ये हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता है, ये आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता है। मैं ठहरा गरीब आदमी। तो बताइए, मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ जी, थोड़ी पैसों से मदद हो जाती तो अच्छा रहता। आप तो जानते हैं, मेरे पास एक ऑटो है, दो कमरों का मकान है। मकान अगर आप गिरवी रख लें, कुछ पैसों की मदद कर दें तो बहुत कृपा होगी आपकी। तो कुछ मकान के कागज वगैरह लाए हो क्या? मुनीम जी, जरा इन कागज की जांच करिए। ठीक है, इनको प्रोसेस दे दीजिए। ठीक है सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी रकम जल्दी से जल्दी लौटा दूंगा। ठीक है राम। May I come in, sir? Yes, come in. Ready. सर, ये मेरा बेटा है, आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाना चाहता है। क्या करना चाहते हो बेटा? सीए करना चाहता हूँ। वेरी गुड, कहाँ से आए हो? सुल्तानगंज से आया हूँ सर। डॉक्यूमेंट्स लाए हो? लाइए। मैं आपको एक फॉर्म दे रहा हूँ, इसको भर के कल फीस के साथ जमा कर दें। ठीक
जाओ राम कुमार। अरे राम कुमार सुन नहीं रहा, सेठ जी आए हैं। अरे सेठ जी आ तो रहे, रुको साहब, सेठ जी बैठ लो, बैठ लो। बैठना बैठना नहीं आए हैं भाई, तुम्हारे पैसा देने की मोहलत खत्म हो चुकी है, अब तो आप तुरंत पैसा निकालो या फिर मकान खाली करिए। अरे महाराज 15-20 दिन की मोहलत मिल जाती तो अच्छा रे, तो पहले दो बार मोहलत दे चुके हैं, अब आप सामान अपना बाहर करिए, मुनीम जी कब्जा करिए इनके मकान पर अपना। अरे ठीक है सेठ जी, अब जी तुम कब या सही मानस। अरे हमार तो कोई तेरी मकान का लोग भैया, अब तो मोहला के पास जाने पड़े थे। क्या कर रहे हो? होमवर्क ही करो, ठीक है? टीवी पे ध्यान नहीं। चाय बनी कि नहीं? बस अभी लाई। थोड़ा जल्दी करना, लेट हो रहा है यार। बस 5 मिनट। अब ये कौन आ गया जी? आप कौन? किशन। अरे आपसे कोई नहीं। कौन है? अरे बाबूजी। दीपक आओ बेटा, दादाजी हैं, बैठो। ठीक है बाबूजी, घर पे सब ठीक है? घर तो बिक गया है, लेकिन हम ड्राइवर ही करने लगे, ऑटो चलाते उसमें भी नहीं चलता है ऑटो। हम तो सोचे कि आपके पास कुछ समय ले लें, फिर तो भगवान के पास ही। ठीक है ठीक है, आप अच्छे आ रहे हैं, अच्छा किया आपने। सुनिए। हाँ आया। अब क्या ये यही रहेंगे? हाँ बिल्कुल यही हमारे साथ रहेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, मैं नहीं करने वाली सेवा। क्यों? क्यों का क्यों, क्या मतलब है? यार पिताजी है मेरे, तो मैं क्या करूँ? तो वो कहाँ जाएंगे? और ये उनकी प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम क्या, उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। गीता तुम्हें क्या मालूम है उन्होंने कैसे मुझे पाला है? मेरे पिताजी ने भी मुझे पाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आके यहाँ पे रहने लगे। तुम्हारे पिताजी वेल सेटल्ड है यार, उनका बिजनेस है, सब कुछ है। तो क्या आपके बाबूजी को मैंने मना किया था वेल सेटल होने के लिए? मैं कुछ नहीं जानती, मैं किसी की सेवा नहीं करने वाला। तो वो कहाँ? गीता तुम समझते क्यों नहीं हो, कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में? उन्होंने मुझे पाला पोसा है यार, उनकी सेवा करना है हमें। आप सेवा चाहते हैं उनकी? वो हो सकती है, हम उन्हें ऐसा करते हैं वृद्धाश्रम भेज देते हैं, वहाँ पे उनकी सेवा भी होगी और उनके उम्र के लोग होंगे तो उनका मन भी लगा रहेगा। और इससे भी ज्यादा अगर आप कुछ चाहते हो तो हफ्ते में एक आध बार जाके आप मिल आया करिए। चलो करते हैं बात, फिर पिताजी से मैं करता हूँ, सुबह देखते हैं। ठीक है चलो। बाबूजी चाय पी ली? बाबूजी अभी इसका दीपक का स्कूल का टाइम हो जाएगा और मुझे भी ऑफिस जाना है, गीता भी ऑफिस जाती, काम करती है आपकी बहू, तो फिर आपका दिन भर मन नहीं लगेगा। तो मैं ये चाह रहा था कि हम एक ऐसी जगह आपको ले चलते हैं जहां आपका मन लगा रहेगा, कुछ आपकी उम्र के लोग भी मिलेंगे और हम लोग मिलने भी आते रहेंगे आपसे। ठीक है बेटा। So, shall we go now?
पापा हम अपने लिए सब कुछ ले रहे, दादाजी के लिए भी कुछ ले लेते। बेटा दादाजी वृद्धाश्रम में है ना, वहाँ उनको सब मिलता है। चला गया, बहुत देर हो गई है, 2 घंटे से दीपक नहीं मिल रहा है। अच्छा हाँ अंकल, शाम को वो जिद कर रहा था दादाजी के पास जाना, तो मैं वृद्धाश्रम छोड़ के आया। वृद्धाश्रम? वृद्धाश्रम चला गया, तुम्हें बता के क्या होगा ना? मुझे कुछ नहीं बताया यार, क्या है, चले लेने चले। चलिए चलो गाड़ी निकालते हैं, चलो। दादाजी आपका कुर्ता पुराना हो गया था ना, मैं आपको लीजिए दादाजी मिठाई खाइए। वाह बेटा बहुत अच्छे, कोई तो आया मेरे लिए, देखा बेटा। ये क्वेश्चन करने का समय अभी नहीं है, अभी घर चलोगी। पापा पहले ये बताइए हम दीपावली क्यों मनाते हैं? आज ही के दिन अपना वनवास पूरा करके, 14 वर्षों का वनवास पूरा करके भगवान श्री रामचंद्र जी अपने घर लौटे थे। दादाजी का वनवास कब खत्म होगा पापा? बेटा तुम क्या कर रहे हो? पिता के आदेश पर श्री रामचंद्र भगवान वन को चले गए थे राजपाट छोड़ करके, तुम क्या कर रहे हो? आज के दिन पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। मैं शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाबू
बाबूजी मेरे बहुत शत्रु को भी हमसे बहुत बड़ी भूल माता पिता की सेवा से बढ़ के दूजा कोई काम नहीं। माता पिता जायदाद है ऐसी जिसका कोई काम नहीं। माता पिता के चरणों से बढ़ के दूजा कोई काम नहीं। माता पिता के चरण छू लेने भर से चारों धाम तीरथ हो जाए। माता पिता का आशीष लगे तो भव सागर से पार हो जाए। माता पिता की सेवा करना उन पर कोई एहसान नहीं। माता पिता की सेवा से बढ़ के दूजा कोई काम नहीं।